आखिर जानिए कैसे अजय देवगन ने धोखे से करिश्मा को बर्बाद कर दिया। आज जी रही है ऐसी जिंदगी। अजय देवगन ने साल 1999 में शादी की थी और अपनी पत्नी काजोल से अजय देवगन को 2 बच्चे हैं। अजय देवगन की शादी काफी गुपचुप तरीके से की गई थी और शादी में कुछ खास मेहमानों को ही इनवाइट किया गया था। लेकिन यहाँ हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि काजोल से शादी करने से पहले अजय देवगन करिश्मा कपूर से शादी करना चाहते थे। आपको बता दें कि अजय देवगन का नाम बॉलीवुड की तमाम बड़ी हसीनाओं के साथ में जुड़ चुका था, जिनमें से करिश्मा कपूर सबसे ऊपर आती हैं। कई बार तो खबरें सामने भी आई हैं कि अजय देवगन करिश्मा कपूर को अपना हम सफर बनाने वाले हैं। लेकिन इन सभी खबरों में कितनी सच्चाई थी, आइए जानते हैं एक एक करके। करिश्मा कपूर और अजय देवगन की बात करें तो दोनों ही 90 के दशक में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत कर रहे थे और शुरुआत में इन दोनों कलाकारों ने मिलकर लगभग 5 बड़ी फिल्मों में काम किया और ये सभी फिल्में सुपर डुपर हिट साबित हुईं, जिनमें जिगर और सुहाग जैसी फिल्में भी शामिल थीं। इन दोनों की जोड़ी को बड़े पर्दे पर काफी पसंद किया गया, लेकिन पर्दे के पीछे भी इन दोनों के बीच में बहुत कुछ चल रहा था। शुरुआती दौर में ही काफी सारी सुपर डुपर हिट फिल्में देने के बाद अजय देवगन और करिश्मा कपूर के लव अफेयर के चर्चे बॉलीवुड के गलियारों में काफी ज्यादा गूंजने लगे और इन दोनों की शादी की खबरें तब सामने आईं जब साल 1992 में ब्लॉकबस्टर फिल्म जिगर रिलीज हुई थी। इन दोनों की जोड़ी जिगर में सबसे ज्यादा पसंद की गई थी और मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अजय देवगन का नाम करिश्मा कपूर से पहले रवीना टंडन के साथ भी जुड़ चुका था और इन दिनों अजय देवगन रवीना टंडन को भी डेट कर रहे थे। लेकिन करिश्मा कपूर की वजह से अजय देवगन ने रवीना टंडन से ब्रेकअप कर लिया और उनकी जिंदगी में करिश्मा कपूर की एंट्री हो गई। इस घटना से बताया जाता है कि करिश्मा और रवीना के बीच काफी ज्यादा अनबन रहती थी। कहा तो ये भी जाता है कि करिश्मा और अजय देवगन ने एक दूसरे को करीबन 3 साल तक डेट किया था। अब हालांकि आपको जानकर यकीन नहीं होगा कि करिश्मा ने इन सारी बातों को सिर्फ अफवाह बताया था। करिश्मा ने इस मुद्दे पर एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में खुलकर इस पर बातचीत की थी और अजय देवगन के साथ अपने संबंधों और लव अफेयर को लेकर कई बार बड़े खुलासे किए थे। दरअसल जिगर फिल्म के सुपर डुपर हिट होने के बाद अजय देवगन का नाम करिश्मा कपूर के साथ बहुत ज्यादा जोड़ा जाने लगा। यहां तक कि खबरें शादी तक की आ रही थी और मामला कहते हैं शादी तक पहुंच भी गया था। लेकिन ऐसे में करिश्मा कपूर किसी और को डेट कर रही थी और करिश्मा कपूर अपने रिश्ते को बचाने के लिए एक मैगजीन को इंटरव्यू देती है और ये इंटरव्यू साल 1993 में आता है। अब आपको बता दें कि ये वही दौर था जब करिश्मा कपूर करोड़पति जहांगीर वाडिया के साथ रिलेशनशिप में थी और अजय देवगन के साथ लिंकअप की खबरों से उनके बॉयफ्रेंड को भी बहुत परेशानी होती थी। तब करिश्मा कपूर ने आगे आकर इन सभी खबरों पर विराम लगा दिया था। अजय देवगन के साथ अपने रिश्ते को लेकर करिश्मा कपूर कहती हैं कि कोई शादी को लेकर प्लान नहीं कर रहा था और ना ही वो लोग डेट कर रहे थे। करिश्मा कपूर ने यह भी कहा कि अजय देवगन सिर्फ और सिर्फ उनके अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा अजय देवगन के साथ उनका कोई भी रिश्ता नहीं है। आगे करिश्मा ने यह भी कहा था कि हमने एक साथ कई सारी फिल्में साइन की थी, कुछ बेवकूफ लोगों ने तो यहां तक कह दिया कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। लेकिन आपको इन अफवाहों से दूर रहना चाहिए। करिश्मा ने यह भी कहा कि अजय देवगन और उनको लेकर लोग तरह तरह की बातें सोच ही क्यों रहे हैं। इसी इंटरव्यू के दौरान करिश्मा कपूर ये भी कहती हैं कि अजय के साथ रिलेशनशिप की खबरें सुनकर उस दौर के करोड़पति जहांगीर वाडिया ने उन्हें फोन कॉल किया था और नाराजगी व्यक्त की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अजय देवगन के साथ रिलेशनशिप को लेकर करिश्मा कपूर उन दिनों पिसती हुई नजर आती हैं और इस विषय में करिश्मा कपूर ने अपना बयान दिया था।
करिश्मा इस पर कहती हैं कि जहांगीर वाडिया ने मुझे लंदन से फोन करके पूछा था कि ये सब मैं तुम्हारे बारे में क्या पढ़ रहा हूँ। वो जल्दी भारत आने वाले हैं और ऐसे में मेरी गलती ना होने के बावजूद मुझे ये सब झेलना पड़ा था। अब आपको बता दें कि करिश्मा का नाम जब अजय के साथ जोड़ा गया था तब वो जय वाडिया को भी डेट कर रही थी। जय वाडिया के कारण ही करिश्मा कपूर ने अजय देवगन से ब्रेकअप कर लिया था, लेकिन जय वाडिया को अपना हम सफर तो नहीं बना पाई और उनकी शादीशुदा जिंदगी भी ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाई। एक तरफ जहां अजय देवगन ने साल 1999 में काजोल को अपना हम सफर बना लिया, तो वहीं दूसरी ओर साल 2003 में बिजनेसमैन संजय कपूर के साथ करिश्मा कपूर ने अपनी शादी रचाई। ये शादी कुछ ही सालों के बाद में टूट गई। 2016 में संजय कपूर के साथ करिश्मा का तलाक हो गया। इस शादी से करिश्मा कपूर को एक बेटा और बेटी है और दूसरी तरफ अजय देवगन के भी दो बच्चे हैं, जिनमें से एक बेटा और एक बेटी है। करिश्मा कपूर की शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ये किसी ने सोचा भी नहीं था। करिश्मा कपूर ने अपने पति संजय कपूर पर मारपीट और दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज किया था, जिसको लेकर एक समय पे काफी ज्यादा बवाल भी हुआ था। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे हमें लाइक और कमेंट के जरिए जरूर बताइए। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए फिल्मी टॉक, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।